कल ही के बजट में राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है, और जहां तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी के रेंज बनाने की जरूरत है, वो आलोक रंजन जी माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हो चुकी है, और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में खेलकूद की जगह में पूरा आश्वासन देगी और साथ देगी हमारे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, विपक्ष सरकार को घेर रही है, शिक्षा और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इस बार पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंची श्रेयसी सिंह भी तेजस्वी यादव को जवाब देती हुई नजर आई। जी हां, तेजस्वी यादव शिक्षा और बेरोजगारी के बाद खेल कूद को लेकर के सरकार को घेर रहे थे। इसका जवाब देते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि जल्द ही सरकार इसका भी प्रबंध करेगी। तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि हमें खुशी है कि आप सदन में आई, हम दोनों तो बैचमेट रह चुके हैं, साथ में पढ़े हैं, लेकिन बात सिर्फ हमारी और आपकी नहीं पूरे बिहार की है। देखिए कैसे सदन में तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए दिखी श्रेयसी सिंह। राज्यपाल को जो बोलना चाहिए था, सरकार को जो लिख के देना चाहिए था, वो दिया ही नहीं गया। सात निश्चय का बात करते हैं, कहां जल में नल से जल आ रहा है भाई, कितना भ्रष्टाचार का पूरा जो है वो कॉकस तैयार है, हर जगह जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। शौचालय निर्माण जो है आंकड़े बोल दिए जाते इतने बने, लेकिन वाकई में घटनास्थल पे जाइए तो गड्ढा खोद के रखा गया, कोई काम नहीं हुआ, ऐसे घोषणा कर दिया गया कि ओपीडी हो गया भाई, ओसीडी हो गया। तो इसलिए हम महोदय सारी बात को हम लोग चाहते हैं, जब तक हम लोग सार्थक बहस नहीं करेंगे, ईमानदारी से अपने आप को, कोई गलती हुई है तो गलती को सुधारना चाहिए और जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। जब आप सच्चाई से ईमानदारी से जनता के लिए काम कीजिएगा तो हम लोग तो खुश होंगे, हमारे जो सवाल है वो कम होंगे। हम कोई व्यक्तिगत रूप से राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मन या व्यक्तिगत नहीं होते, हम सब यहां जो है 12 करोड़ 13 करोड़ बिहार की जनता के लिए खड़े, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े। लेकिन महोदय सच्चाई रखना, जो जमीन की जो बात है वो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। अब आप बताइए, कोई उद्योग की बात नहीं, पर्यटन की बात नहीं, खेलकूद की बात नहीं, श्रेयसी है यहाँ बैठी हुई। हम नहीं चाहते कि बिहार के ये कहां, यहाँ बिहार में ऐसा कोई शूटिंग रेंज है, पूछिए इनसे, उस हिसाब का ट्रेनिंग मिल सकता है बिहार के लोगों को क्या? हम लोग नहीं चाहते कि बिहार का भी लड़का जाए ओलंपिक्स में, जाए लड़का लड़की है जाके गोल्ड मेडल जीत करके आए, क्या हम ऐसा बिहार नहीं बनाना चाहते? हम लोगों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यहां तो बेसिक जो नीड है वो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम बदल दिया गया। आप शूटिंग रेंज शूट, एक मिनट माननीय सदस्य, आप कहते से और लड़कियां ना है बिहार की, नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष माननीय सदस्य कुछ बोलना है तो खड़े होके बैठे, बैठे बैठे ना बोले। अरे अब हो ही गया, बोली भी है महोदय। कल ही के बजट में राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है, और जहां तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी के रेंज बनाने की जरूरत है, वो आलोक रंजन जी माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हो चुकी है, और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में खेलकूद की जगह में पूरा आश्वासन देगी और साथ देगी हमारी। नए सदस्य थे इसलिए थोड़ा सा जानकारी इनको जरूरी है कि खड़ा होकर बोले। अब अच्छा है, हमें खुशी है कि आप इस सदन की सदस्य बनी है, और आप तो हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ी लिखी है, हमारी बैचमेट भी रही है, लेकिन हम ये आपका और तेजस्वी और श्रेयसी का सवाल नहीं, ये आज जो बच्चे जिनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही महोदय, ये उनकी बात है महोदय। 15 साल से स्पोर्ट्स के लिए क्या हुआ, 15 साल से क्या हुआ? और महोदय एक बात बताएंगे कि ठीक है राजगीर में बहरहाल आप इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।